गाय के प्रति सबके मन में भाव है और सब चाहते हैं कि गाय को माता के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको आदर देना चाहिए। सरकारों को अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए और चाहे अपना ही व्यक्ति हो अगर अपराध में संलिप्त है तो उसको दंडित कर देना चाहिए। किसी को मार देना, पीट देना, आग लगा देना, ये सब बहुत गलत है और ये किसी भी संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। जंगल की संस्कृति में भी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान भाई हमारा ही भाई है, बंटवारा ही तो हुआ है हम लोगों में और क्या हुआ है, बंटवारा से ज्यादा तो नहीं हुआ। अगर बंटवारा हम दो भाइयों में हो जाता है तो हम दुश्मन होते हैं। यात्रा हमारी पूरे देश में चल रही है, सभी प्रदेशों में हम जा रहे हैं, वहाँ गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं और सब जगह से बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं और हमको समर्थन कर रहे हैं। सब कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए। यहाँ तक कि हिंदू के अलावा मुसलमान और ईसाई और दूसरे लोग भी मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आपकी मांग अच्छी है और जल्दी से ये हो जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार जल्दी इसमें करे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि गाय के प्रति सबके मन में भाव है और सब चाहते हैं कि गाय को माता के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और उसको आदर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अभी दो दिन पहले एक अटैक हुआ जिसमें 7 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसके क्योंकि देखते हैं अभी इलेक्शन हुए और नहीं। बात यह है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो घटना तो कहीं भी कभी भी हो सकती है, लेकिन घटना के बाद वहाँ की जो सरकार है वो कैसे उस पर काबू पाती है और कैसे निष्पक्ष हो करके कार्यवाही करती है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर सरकार निष्पक्ष होकर कार्यवाही करे तो आगे दूसरी बार तीसरी बार ऐसी घटना होना बंद हो जाएगी, और नहीं करेंगी तो मन बढ़ा रहेगा लोगों का और कुछ भी करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकारों को अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए और चाहे अपना ही व्यक्ति हो अगर अपराध में संलिप्त है तो उसको दंडित कर देना चाहिए। बाकी आप ऐसे करो, नारा लगाओ, तर्क शक्ति से काम करो, वाक युद्ध करो, ये सब चलता है। आपका कोई मतभेद है आप वाणी से एक दूसरे के खिलाफ बोलो, लेकिन किसी को मार देना, पीट देना, आग लगा देना, ये सब बहुत गलत है और ये किसी भी संस्कृति में स्वीकार्य नहीं है। जंगल की संस्कृति में भी ऐसा नहीं होता। देखिए भाई, पाकिस्तान का हाथ है तो पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान भाई हमारा ही भाई है, बंटवारा ही तो हुआ है हम लोगों में और क्या हुआ है, बंटवारा से ज्यादा तो नहीं हुआ। अगर बंटवारा हम दो भाइयों में हो जाता है तो हम दुश्मन होते हैं, तो ये जो बंटवारा होने को दुश्मनाहट के रूप में अंगीकार कर लिया गया है ये गलत है। हम दो भाई थे और हम दोनों बंटवारा कर लिया, तो बंटवारा कर लिया तो वो खाना पीना हमारा अलग हो जाए, हमारा बजट अलग हो जाए, हमारी तौर तरीके अलग हो जाए, लेकिन हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे का हित देखते हुए काम करें तो अच्छा होगा। और ये बात आज नहीं तो कल समझनी ही पड़ेगी, पाकिस्तान को भी समझनी पड़ेगी, हमको भी समझनी पड़ेगी। हम तो समझे हुए हैं इसलिए हम तो अभी उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं रखते हैं, शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो भी नहीं समझेंगे तो केवल हमारे कहने से तो होगा नहीं। संबंध तो दो तरफा होते हैं, एक तरफा होते नहीं।